तो दर्शन करके जाए जैसे माता हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है संडे का दिन और हम जा रहे हैं शिवपुरी। मेरे साथ है साहिल जम्वाल, कल ये ड्राइवर बना था, आज मैं ड्राइवर बनाओ। और हमारे साथ जा रही है हमारी मैम जो खाली 2 सेकंड के लिए आई थी वीडियो में, उनके पापा और एक हमारी कॉलेज की फ्रेंड है वनीषा। तो बोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं हम शिवखोड़ी। सो गाइस, फाइनली आ गई है शिवखोड़ी। ये वाले होटल में आप रह भी सकते हो अगर आपको, मतलब अच्छा होटल है ये। हम पिछली बार रहे थे, आज तो हम सुबह ही आए हैं। तो यहाँ से है पूरी यात्रा शुरू होती शिवखोड़ी की और भोले बाबा के यहाँ दर्शन होते हैं। यहाँ आने के लिए आप कर सकते हो छोटी गाड़ी, छोटी कैब, मतलब इनोवा वगैरह, वो आपको कटरा से यहाँ तक लेके आ सकती है। और बस भी जाती है एक, उसके लिए आपको थोड़ा लोकल से पूछ लेना कि कैसे जाती है। तो अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको, करवाते हैं भोले बाबा के दर्शन जी। ये पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, ये देख रहे हो ना पहाड़, ये पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। नीचे से यात्रा है 3-4 किलोमीटर की, ये हार्डली यात्रा होगी। तो यहाँ आप आराम से जा सकते हो। और जी व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखो। काफी सुंदर ये आ रहा है जी, साहिल जम्वाल पूरी फौज को लेके। और ये हमारी मैडम, ये है उनके पापा, और ये है वनीषा। हेलो जी, ये यात्रा है पूरी 3-4 किलोमीटर की। तो यहाँ से हम पहाड़ चढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि टिकट मिलती है कि नहीं मिलती। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, जब यहाँ पे लोग कम होते हैं अब जाके ही पता चलेगा कितना रश है कि नहीं है। ये है जी शिवखोड़ी की मार्केट, मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बट चलो खाने पीने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। यहाँ फ्रूट, यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, उसका तो क्या ही करोगे आप। और यहाँ खाने पीने के लिए फास्ट फूड भी है। और ये रहा जी पहाड़ जो हमें आज चढ़ना है। दर्शन करके जाए चाहे कुछ हो जाए, है ना, जैसे हम माता वैष्णो देवी जान की कुर्बानी देके दर्शन करके आए। जी हाँ, अब आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, चाहे जितना मर्जी रश हो दर्शन तो करेंगे करेंगे। चलो मिलते हैं आपको ऊपर। ये जी जेके टूरिज्म आपका स्वागत करती है शिवखोड़ी में। तो यहाँ पे आज वैष्णो देवी जैसा रश तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है। और यहाँ सामने है पानी, यहाँ नहाना थोड़ा सा मना ही है क्योंकि काफ़ी गहरा पानी है बीच बीच में। ये देखो जी, यहाँ से कटवानी पड़ती है पर्ची। यहाँ पे पहले आपकी फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जाने का रास्ता, और ये है पर्ची काउंटर। यहाँ आप घोड़े से भी आ सकते हो। तो भैया क्या प्राइस होता है घोड़े का? भैया 500 रुपीज़ अप डाउन का, पूरा अप डाउन आने जाने। अच्छा अच्छा, तो अगर आपको घोड़े पे आना हो तो आ सकते हो, भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 500 लेंगे ये ऊपर और नीचे आने का। जी ऐसी होती है पर्ची, साहिल जम्वाल का यहाँ नाम लिखा है +5 करके। और ये रहा जी जाने का दरवाज़ा, यहाँ से भी आप घोड़े ले सकते हो आराम से। और यहाँ पे भी है खाने पीने वाली चीज़ें। और ये है जी पानी जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे आप नहा सकते हो, लेकिन बड़ी सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी आपको, अपने पेरेंट्स के साथ ही यहाँ पे जाएं। और ये रहा रास्ता छोटा सा, घोड़े भी यहीं चलते हैं और इंसान भी। तो 3.5 किलोमीटर की ये पूरी जर्नी है, ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है। अगर आप नहीं चल पाते हो तो आप घोड़ा ही ले लो, जैसे कि भैया ने बताया 500 रुपये उसका किराया है, अगर आप नहीं चढ़ सकते हो। अगर आप जा सकते हो तो मज़े करते करते जाओ। ठंड तो यहाँ पे है नहीं अभी क्योंकि धूप निकली हुई है, तो इसलिए आप मज़े मज़े से जाएंगे धीरे धीरे होली होली। तो अंकल कैसा लग रहा है आपको पहली बार? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। चढ़ाई चढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं थी? कोई घोड़ा वोड़ा आपको चाहिए? मेरे देख लो अंकल, इस एज में भी पैदल ही चलते हैं। वैष्णो देवी में भी ये पैदल चले, इन्होंने एक बार भी नहीं बोला हमें घोड़ा चाहिए,
और यहाँ पे भी ये पैदल पैदल एक बार भी घोड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चढ़ के बहुत खुश होता ये तो है, जब माता और भोले बाबा का बुलावा आया तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। मैं चलो जी ये है जी बेर का पेड़, अभी तो कुछ लगा नहीं है यहाँ पे, खाने में तो जी इनको मजा ही आ जाता है। ये है। पहुंच गए हैं जी पंचायत संगर और यहाँ पे है बड़ा अच्छा सा एक ब्रिज, वो भी लोहे का, अभी दिखा दूँ आपको। नहीं जाएंगे, काफ़ी सुंदर ये ब्रिज, पानी के ऊपर, पानी तो है ही नहीं इसमें, ये देखो पानी तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन ये ब्रिज काफ़ी शानदार। और यहाँ पे है जी छोटी मोटी दुकानें, और यहाँ है शनि देवता जी का मंदिर, जय हो शनि देव। ये है जी साहिल जम्वाल का छोटा भाई, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं ये साहिल जम्वाल का छोटा भाई और ये साहिल जम्वाल। यहाँ लोग तो चल ही रहे हैं और पहाड़ी शिलू भी, मज़ा आ रहा है। ये है जी मंदिर और ये जा रही है पालकी, पालकी में भी आप जा सकते हो, पर जो चली बात है ना घोड़ों में फिर नहीं बैठ पाते, वो पालकी में भी जा सकते हैं। हाँ भाई शिलू चलना, पर चलना पर है, चल चक्कर लाइए आने जी। रास्ते में इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पहले थोड़ी चढ़ाई फिर प्लेन रास्ता फिर चढ़ाई, मतलब जैसे वैष्णो देवी में है ना उतनी वैसी वाली चढ़ाई नहीं है, मतलब बीच बीच में फिर प्लेन आ जाता है फिर चढ़ाई ऐसे, तो आप आराम से खा सकते हो जी। मैडम और सारे थक गए हैं इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो कभी थकता ही नहीं हूँ। क्या जोक था ये, वनीषा तो चल ही नहीं पा रही है, मैं लुटक गई हूँ, इसको घोड़ों ने उठा के लाया यहाँ घोड़े, घोड़ों का नाम था शिवम बारिया और घोड़ो ये है जी शॉर्टकट, मनीषा से चल ही नहीं जा रहा, बोल रही है जितने शॉर्टकट रास्ते पे मिलेंगे स्पेशली शिव जी जी ने मेरे लिए ये बनाया हुआ है। तो ये है जी रास्ता जो काट के बनाया हुआ है खुद से। यहाँ पे जी घोड़े रुक जाते हैं और यहाँ से आपको चलना पड़ता है पैदल, मतलब थोड़ा सा ही यहाँ से पास नहीं है, मतलब बिल्कुल वैसे रश तो थोड़ा सा ही है, आज पहली बार कहीं थोड़ा कम रश मिला, नहीं तो जहाँ भी जा रहा था वहाँ इतना ज़्यादा रश, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम रश है। और यहाँ से आप प्रसाद वगैरह भी खरीद सकते हो, कुछ भी चाहिए हो हर एक चीज़ मिल जाएगी यहाँ से। ये है जी थोड़ी सी सीढ़ियाँ, ये तो आपको चढ़नी पड़ेगी, चलो चढ़ते हैं जी। ऐसे पहाड़ों के नीचे बिल्कुल ना बैठे या बैठ ना सकता होता है, क्योंकि कभी भी पहाड़ से कोई पत्थर वत्थर आपको गिर सकता है, ये यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं शिवखोड़ी, यहाँ पे करेंगे भोले बाबा के दर्शन, आपको दिखाता हूँ कहाँ से है रास्ता, पहले फ़ोन चप्पल शूज़ वगैरह ये जमा करवाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे ऊपर, दिखाता हूँ। ये है जी भोले बाबा जी की गुफा, यहाँ से अंदर जाना पड़ता है, लेट लेट के जाना पड़ता है काफ़ी, फ़ोन वगैरह यहाँ सबमिट ही करवाना पड़ेगा यहाँ क्लॉक रूम में, मोबाइल बैग पर्स वगैरह जो भी आपके पास है, और वहाँ तो दिखा नहीं पाऊँगा, अब मिलता हूँ आपको आगे। यहाँ है जी लॉकर रूम, यहाँ पे आपके फ़ोन वगैरह जमा होंगे, बैग तो आप अपने साथ ही लेके जा सकते हैं यहाँ। सो गाइस फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे, रश तो था ही नहीं, मतलब बड़ा कम रश था, मतलब पहले भी हम आते हैं तो रश थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आज तो बड़ा कम था। तो अंदर पंडित जी ने हमें सारा बताया कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में बताया। आप जब भी आओ वैष्णो देवी यहाँ ज़रूर आओ, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको और काफ़ी अच्छी यात्रा हो जाएगी आपकी। और आप यहाँ आओ, ऊपर पंडित जी मिलेंगे आपको, उनको पूछना आप कि क्या क्या है यहाँ पे, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो इसी के साथ मैम और उनके पापा फिर से ऊपर चले गए हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप चलेंगे नीचे, ठीक है, बाय बाय। तो इसी के साथ चलते हैं घर की तरफ, गाड़ी की तरफ, भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करते, मैं यही चाहता हूँ। प्यारी प्यारी मछलियों को आटा, ये देखो नीचे कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पर,
ये देखो जी मछलियाँ अपने मजे में तैर रही हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं, ना तो इनको ऑफिस जाना है ना तो इनकी कोई एजुकेशन का चक्कर, अपने ही मजे में। यहाँ पे हैं जी मछलियाँ और सामने है कराट, यहाँ ना आटा पीस के आटा नहीं आता है ना तो यहाँ पे पीस के। ये रहा जी मोदी जूस और यहाँ पे बन रहा है जूस और हमने मंगवाया है किन्नू वाला और यहाँ पे पाइनएप्पल सारी चीज़ मिल रहा है। करते हैं जी शिव खोड़ी को टाटा, मिलते हैं आपको एक नई जगह में।